नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार और मैं आपके साथ ज्योति राघव। प्रदेश सरकार ने कमेटी का गठन किया है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आने के बाद अब राजस्थान गहलोत सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि यह हादसा मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे नागौर जिले के परवरसर क्षेत्र के बीडियात गाँव में चौपाल कर रथ पर सवार हुए थे तब हुआ था। बता दें कि अमित शाह को परवरसर के गणेश मंदिर स्थित सभा स्थल तक जाना था, लेकिन इससे पहले ही टंकोली मोहल्ले में अमित शाह के रथ का ऊपरी हिस्सा बिजली लाइन से टकरा गया। हालांकि अमित शाह बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि जिस रथ में वे थे उसके बिजली के तार के संपर्क में आने से चिंगारी निकली और फिर उन्हें दूसरे वाहन से रवाना किया गया। गृह मंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश की गहलोत सरकार ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। इस मामले की जांच अजमेर संभाग आयुक्त को सौंपी गई है। इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की ओर से संभागीय आयुक्त को पत्र भेजा गया है, जिसमें हादसे के कारण इस तरह के हादसे रोकने के सुझाव सहित पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें कि अजमेर संभाग आयुक्त को 2 दिन में पूरी घटना की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि घटना के बारे में डीएलबी आयुक्त से जांच कराएंगे, क्योंकि गृह मंत्री का रथ टकराना गंभीर बात है, ताकि यह पता चल सके कि आखिर इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है और गृह मंत्री की सुरक्षा में आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार।